जैसे एक अंधा देखता है लंगड़ा चलता है। बोलो क्या है? अंधा देखता और लंगड़ा चलता है। मैं कहता हूं कि जीवन का बदल जाना, उसका पूरी तरह से स्वभाव मसीह के जैसा उसका चाल चलन हो जाना, ये उससे भी बड़ा है। मैंने कहा उससे भी बड़ा है। आमीन। तो इस ब्रदर का नाम मंगल सिंह है और जे अमृतसर कनुपुर कालों के रहने वाले हैं। इनकी लाइफ चेंजिंग की टेस्टामनी है और जे ब्रदर की गवाही जी है, जे बता रहे कि जे 20 साल से प्रभु पर विश्वास करते थे और इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कंडीशन थी और जे बता रहे कि पर सही तरह से जे परमेश्वर की राज, परमेश्वर की सच्चाई को समझ नहीं पाए और जैसे जे पहले विश्वास तो करे थे पर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किल इनके जीवन में आ गई जिसके कारण फिर से इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि जे पहले विश्वास तो कर रहे थे और काफ़ी समय जे परमेश्वर से दूर रहे और जैसे फिर इनके जीवन में काफ़ी हालात आ गए, काफ़ी परिस्थितियां आ गईं जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और जैसे फिर से परमेश्वर की गुड न्यूज़ किसी ने इनको दी और जैसे जे फर्स्ट टाइम ये हौशवा रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और जे ब्रदर ने बताया कि जैसे जिस मिनिस्ट्री में आए थे और इनको जैसे प्रभु के दास इनको टीच किया और जो परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के राज की और भी बात को बताया और हर एक विषय के बाद में जे इनको समझाते रहे और जे हर एक मीटिंग में आते थे और जैसे जे बढ़ते गए सीखते रहे कैसे पॉजिटिव विश्वास करना है और प्रार्थना में भी जे बढ़ गए और जे बता रहे कि अभी इनको इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े 9 महीने हुए हैं और जो कि इनके जीवन में बहुत सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ आदतें थी जो कि बदल नहीं रही थी, जैसे क्योंकि जो पहले भी प्रभु में चल तो रहे थे पर परमेश्वर की सच्चाई को जो सही तरह से समझ ना पाने के कारण जो अपने जीवन को चेंज नहीं कर पा रहे थे, पर जैसे जिस मिनिस्ट्री में आए इन्होंने सीखा और विश्वास करते रहे तो परमेश्वर ने इनके जीवन को बहुत ही बदल दिया, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसे आदतें थी जिनको जो अपने आप छोड़ नहीं पा रहे थे पर परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद परमेश्वर ने आज इनके जीवन को अच्छा किया है। जैसे कि जे बताते हैं कि पहले जे जब भी अपने काम से घर वापस आते थे तो जे शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टीवी देखते थे, बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे और जे बता रहे कि जैसे जे इस मिनिस्ट्री में आए थे इन्होंने विश्वास किया और जे हर एक वचन को सीख रहे थे और परमेश्वर ने इस आदत से इनको फ्री किया। अभी जे बता रहे कि इनको 7 महीने हो गए इनको इन्होंने बिल्कुल भी टीवी नहीं देखा, परमेश्वर ने इस चीज़ को इनके जीवन से चेंज किया। और सेकंड जे बता रहे हैं कि पहले जे अपने गलियों मोड़ों में बहुत गलियों मोलों में खड़ो जाते थे और जिसके कारण जे बताते हैं कि अगर कोई भी बाजार में कोई अगर जैसे इनके बाजार इनके दरवाजे के पास कोई कूड़ा करकट ऐसे लगा देता था तो इनको बहुत ही गुस्सा आ जाता था, अगर कोई बजरी या कुछ और भी सामान इनके दरवाजे पर ऐसे लगा देते तो फिर भी इनको बहुत गुस्सा आता था, पर अब जे ब्रदर बता रहे कि इनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। गुस्सा भी आता कि गाले भी निकालते थे? गुस्सा भी आता था और इनको बहुत ऐसे गाले भी निकालते थे, क्लेश भी करते थे उनके साथ, पर अब जे आदत भी परमेश्वर ने इनकी छुड़ा दी है, अभी जे खुद आप उन सब चीज़ों को साइड पर कर देते हैं और जो कि जे बाजार गलियों में शाम के जैसे कभी फ्री टाइम होता था जैसे बाजार में खुलो जाते थे, अभी जे बता रहे कि जे बिल्कुल भी मोड़ों पर नहीं खुलोते, जे अपने घर में प्रार्थना में जो परमेश्वर को समा देते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं और जे बता रहे कि जे बहुत ही आदतें थी जो कि परमेश्वर ने इनके जीवन से इनको इनके जीवन को आज चेंज किया है और जो कि इनका प्रार्थना में मन नहीं लगता था पर आज ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, इनके जीवन को परमेश्वर ने इतना चेंज कर दिया है और जो परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करते हैं कि सच में जो परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद इनको समझ आ गई कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है और इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुनो 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 सुनो, ये जो गवाही है ना, जैसे एक अंधा देखता है लंगड़ा चलता है। बोलो क्या है? अंधा देखता और लंगड़ा चलता है। मैं कहता हूं कि जीवन का बदल जाना, उसका पूरी तरह से स्वभाव मसीह के जैसा उसका चाल चलन हो जाना, ये उससे भी बड़ा है। मैंने कहा उससे भी बड़ा है। आमीन। देखो
20 साल पहले इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, कुछ परिस्थितियों कुछ प्रॉब्लम के कारण फिर छोड़ दिया। माइक लेकर जाओ। जब आपने आज से 20 साल पहले जब विश्वास किया तो आपने फिर छोड़ दिया क्योंकि समझ नहीं आई परमेश्वर का राज्य क्या है। हाँ जी हाँ जी हाँ। फिर दूसरी बार आपने छोड़कर फिर से विश्वास किया है कि नहीं, बाद में नहीं किया था? किया था एक बार फिर? नहीं, फिर किया है, जब आए थे आए ना फिर किया। अच्छा, फिर 20 साल के बाद जब यहाँ पे आए तब विश्वास किया, फिर किया। हाँ, जो काम आज से 20 साल पहले जब इन्होंने यीशु पर विश्वास किया, कोई चेंजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई घर का बदलाव नहीं, हाँ कुछ कोई अपनी अपने जीवन का कोई भी बदलाव नहीं, जैसे पहले थे वैसे थे। आज आपने सुना, बोलो क्या है? क्योंकि रियल क्रिश्चियन, रियल जो सच्चा मसीह है वो इसी से, इन्हीं बातों से पता चलता है। बोलो क्या है? उसके स्वभाव से, उसी आदतों से। पहले बंदा अगर आज भी कोई मसीह में, उसकी आदत आज भी घंटों टीवी देखने की है, फोन देखने की, तो अभी वो सिद्ध नहीं क्योंकि इन्होंने सुनकर छोड़ दिया। यहां पे 9 महीने हुए और 7 महीने से सारा कुछ बंद कर दिया। बोलो क्या कर दिया? जिन गलियों में मोड़ों में खड़े रहते थे 10-10 बजे तक, उससे भी ज्यादा देर देर रात तक, आज अपने घर में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। हाँ, कोई गली का मोहल्ले का कोई आदमी इनकी दीवार इनके दरवाजे के आगे कुछ कूड़ा फेंक दिया, कोई अपना कोई सामान रख दिया दीवार के साथ, इन्होंने बाहर निकला देखा गाले निकालने लगते थे, आगे बबूले हो जाते थे। क्या होते हैं? अभी सिर्फ 9 महीने और 7 महीने में इन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी। क्या चीजें कर दी इन्होंने? सब चीजें देखो छोड़ दी। ये एक अंधा देखे लंगड़ा चले, मैंने कहा उससे बड़ी बात है। सुनो क्यों बड़ी बात है? क्योंकि अंधा अगर अंधे ने देख लिया, लंगड़ा चलने लगा, पर अभी भी उसका वही पाप का पुराना स्वभाव है, तो फिर वो नरक में चला जाएगा। यीशु ने क्यों कहा 38 साल के रोगी को जब चंगा किया, उसने कहा देख तू चंगा हो गया, दोबारा कोई पाप ना करी। जिस चीजों से इन्होंने मन फिराया है वो चीजें स्वर्ग लेकर जाती है। मैंने कहा जिन चीजों से इन्होंने मन फिराया वही चीजें इन्हें स्वर्ग, वही चीजें हमें स्वर्ग लेकर जाती है। कितने लोगों को समझ आ रही? क्योंकि जिसका जीवन नहीं बदला, जिसका स्वभाव नहीं बदला, जिसकी आदतें नहीं बदली, बाइबल कहती है कि अपने मन के नहीं हो जाने से जो तुम्हारा पिछला चाल चलन वो बदलता जाए। अगर बदला नहीं, सिर्फ 9 महीने और 7 महीने में सारा कुछ बदला। जो काम 20 साल से नहीं हुआ इस मिनिस्ट्री की टीचिंग से, बोलो क्या है? इस मिनिस्ट्री की टीचिंग से, हमारे सिखाने से, समझाने से। इसीलिए शैतान बहुत लोगों को यहां पे बनने नहीं देता। उन्हें पता है कि ये जो बंदा है ना, जब ये समझाएगा, मैंने बहुत बार कहा मुझे लोग चाहिए समझने वाले, बस उस बात को पकड़ने वाले। बीमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों नहीं, मैं घमंड नहीं करता, मैं बस फेथ करता हूं, विश्वास करता हूं इस बात का। कितना भी बड़ा हालात क्यों नहीं है, कितनी भी दुष्ट आत्मा बड़ी क्यों नहीं है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, जो मैं समझाऊंगा, जो खुदावंद का वचन कहता, जब आप मानोगे पूरा करोगे वो चीरो हो जाएगी चीरो। क्या हो जाएगी बोलो? चीरो हो जाएगी चीरो। समझ आ रही है? प्रिय जी, जे बताते हैं कि जैसे पहले जो चर्च तो जाते थे पर इनको कोई समझ नहीं आती, पर जैसे जे इस मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जैसे प्रभु के दास हमें टीच करते सिखाते, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको समझ भी आती है कि क्या वचन बता रही है, उसका क्या समझना है और कैसे करना है अपने जीवन में। और जो बता रहे कि अभी भी बहुत ही समझ आ रही है। आप में से कितने लोग बैठे हैं गवाह होंगे जो अदर चर्च जाते थे? देखो सब चर्च परमेश्वर के सब दास, मैं किसी के ये नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा बड़ा ना, बड़ा सिर्फ वो है, मैं नहीं हूं, मैं भी कुछ नहीं हूं। देखो मैं एक चीज आपको, कितने लोग होंगे यहाँ पे बैठे होंगे, चलो अपने आप कुछ लोग खड़े हो जाओ, बहुत हैं मुझे पता है, कुछ लोग खड़े हो जो अदर चर्च जाते थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती थी, बट जब उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया, खड़े हो जाओ कोई बात नहीं, शर्माते क्यों,
जब अदर अदर चर्च जाते थे पर वहां पर जब वो जा रहे थे उन्हें कोई समझ नहीं आ रही परमेश्वर का राज्य क्या है, करना क्या है, बोलो क्या है। अरे खुदावंत की महिमा है, हो जाओ कोई बात नहीं है, परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको चमकाएगा। वो जो सबसे पीछे सिस्टर है ना, वो सबसे पीछे, उन पर कैमरा डालना, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? जैमसी की सर जी 12 साल हो गए जान जान पे। 12 साल अभी यहाँ पे टाइम कितना हुआ है आते? सात महीने हो गए। एक साल हो गया सातवें महीने से, मतलब एक साल हो गया। और ये 12 साल से विश्वास करते थे, 12 साल से। इनको पूछना जब मीटिंग खत्म होगी, इनको पूछ कर जाना कि 12 साल से इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब इनको पूछो इनका मन आपका स्वभाव कैसे लगता है यहाँ पे आकर, समझ आ रही है? ये बड़ी बात है, पर अगर समझने वाले लोग समझे, पकड़ने वाले लोग उस बात को पकड़े, समझ आ रही है? इसलिए ये खुदा मंदी जितने लोग खड़े हुए हैं और इनके जीवन में ये बड़ा काम किया, ये छोटा नहीं है। यही चीजें हमारे जीवन के प्राण को बचाती और हमें स्वर्ग लेकर जाती है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया।